खाना पाक ना होने देंगे। आप क्या कहते हो? कहते थे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आप अपनी बात कम करते हैं, दूसरों की बात ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं दूसरों की बात ज्यादा? अगर आपके दर्द है तो आप अपनी बात करिएगा, अपने लोगों को संगठित करिएगा। जब अरपाल कंसारा साधुपुर बेलचेर से कांड होते हैं तो जब कोई निकल के नहीं आता है, जब दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटती है कोई निकल के नहीं आता है, जब अपनी उंगली चिरती है तो जब कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं। अब हमारे भाई कैसे हो गए? जब तुमने मशीन जिस देश में आई थी, क्यों जब भी तुम जिंदा थे, आज भी जिंदा हो और हो सकता आप आगे भी जिंदा रहो, आपने विरोध क्यों नहीं करा? अगर चार आदमी भी विरोध करते हैं या खड़े हो गए, दोबारा मशीनों की हिम्मत नहीं थी, वो आ जाते हैं। हम घर में बैठ कर नोता देते, आ जाओ भाई हमारा वोट ले लो, राज तुम कर लो। जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, आदमी को कभी भी अपने आप को बिगल लगड़े हथियार नहीं फेंकने चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। एक बार बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने सबको पलट कर रख दिया। भाई साहब बंदूक चलानी हमें भी आती है, अगर मौका मिला तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक हमारे देश में फूलन देवी पैदा नहीं होगी, जब तक बहन बेटी का बलात्कार कभी भी नहीं उठ सकेगा। हमें शर्म आती है, हम लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लुट जाती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, वो कितने शर्म की बात है। अरे डूब के मर जाओ तुम सारे के सारे, जो बहन बेटी की इज्जत लुटने के मरे, तुमने दो चारों के सर क्यों नहीं काट दिए, दो चारों को क्यों नहीं उड़ाने की कोशिश करी? अरे आज मरो चाहे 10 साल बाद मरो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आया वो जाएगा। और भाई साहब जहाँ तक संविधान की बात है ना, किसी मई के लाल में हिम्मत नहीं जो भारत का संविधान बदल देवे। जन कितने आए जन कितने गए, के है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, अब कोई सूरज निकलना चाहिए। और छीनता हो कुछ वक्त तो आंख से आंसू नहीं सोलह निकलना चाहिए। हमें रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमें लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। हम कह देते हैं हमारी तो बेटियां हैं पराया धन है, कहेगा पराया धन है। जब बेटे पराया धन नहीं है तो बेटियां कैसे होती हैं? हमने बेटियों को कमजोर क्यों पैदा करा? जब तक बेटियों को दिमाग में से कमजोरी नहीं निकलेगी, इतने तुम्हारा काम नहीं होगा। इनको अगर कोई भी आदमी बलात्कारी एक भी कर जाए, गारंटी देती हूँ एक लड़की के साथ एक आदमी आ जाएगा, वो उस लड़की को चाहे तो मार सकती है, कानून उनके बाप का नहीं है। और कब तक तुम अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहोगे? काट दो उसकी मुंडी जो उनसे बलात्कारी है, काट दो उनके फैमिली को जो तुम्हारे पे चढ़ाई करता है। अरे अब तक तो तुम ही मरते हैं, मार कर तो देखो, हाथ उठा के देखो, क्यों नहीं करते इस काम को? हम कब करेंगे बताओ, कौन सा वक्त आएगा? कुछ दिन बाद मर जाएंगे फिर चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की बात करते हो आपको, बड़े शर्म की बात है, नहीं करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। और जब तक बहन बेटियों को लड़ना नहीं सिखाओगे, इतने कुछ नहीं हो सकता। लड़ना सिखाओ बहन बेटियों को, घर में मत लड़ो बाहर लड़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में भी लड़ाई करो। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। 1973 में हमने यहाँ से लड़ाई शुरू करी, हमने मनुस्मृति जलाई सबसे पहले, इंदिरा गांधी के एक नंबर गेट पे हमने पत्थर फेंके, हमने वो फेंके आधे दिन की छुट्टी कराई। मैं वही धंधे भी हूँ और मैं आज भी मारने मरने को तैयार हूँ। मैंने पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन में लगा दिया, मेरी DTC में नौकरी थी, मैंने छोड़ दी और मैं बाबा साहब के मिशन में कूद गई। अरे या तो तुम हमारे आगे चलो या हमारे हमसे आगे हमें करो या आप पीछे करो, दोनों में से एक बात करिएगा। और सत्ता की लड़ाई तो जब तक नहीं जीत पाओगे जब तक तुम अपने काम को छोड़कर दूसरों का नाम लोगे। दूसरों का नाम लेने से बात नहीं बनेगी, अपना अपने लाइन खींचो, उनसे बड़ी लाइन खींचो। और आप सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? क्या पहले नहीं थे? ये दो थे दीपक वाले, आज पूरी सत्ता में बैठ गए आप लोगों की कमजोरी की वजह से। कमजोरी दिमाग से निकालो तभी काम चलेगा। और जब तक है चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, युगों युगों तक अमर रहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम जय भारत।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।